नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। बुरहानपुर जिले के आदिवासी समाजजनों द्वारा पट्टों की मांग को लेकर रैली निकाली गई। रैली कृषि उपज मंडी से शनवारा सिंधी बस्ती होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जहां जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। संगठन पदाधिकारी माधुरी बेन ने बताया कि कई वर्षों से आदिवासी समाज जंगलों में रहकर खेती करता चला आ रहा है, जिसके बावजूद भी वन विभाग द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। यदि पट्टों का वितरण नहीं किया जाता है तो हम आगे आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पिछले लगभग साल भर से यहाँ के आदिवासी बार बार आंदोलन कर रहे हैं कि 10 साल पुराना जो कानून है वो अभी तक अमल में क्यों नहीं आ रहा है। बार बार प्रशासन आश्वासन देता है, प्रेस के सामने भी आश्वासन दिया, हज़ारों लोगों के सामने आश्वासन दिया, कोई व्यवस्था बनाए कि कब वो तथ्यों दावों का सत्यापन वगैरह होगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। उल्टा वन विभाग गांव-गांव में घुस गया और लोगों को मारना, उनका फसल बर्बाद करना, उनका एक आदि छोटा सा आदिवासी मंदिर को तोड़ा गया है, चारा को जलाया गया है। इस प्रकार की हरकतें लगातार इनकी कोशिश चल रही है। गांव में उनका विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन ये हरकतें इसके बावजूद कि कानून में लिखा है कि वन व्यवस्थापन प्रक्रिया के समाप्ति तक किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, और इसके बावजूद कि यहाँ पर आंदोलन चल रहा है लगभग एक साल से, वन विभाग के प्रयास अभी भी जारी हैं कि वो गांव में जाके लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपहरण तक कर चुके हैं। तीन आदमियों को, जामनिया गांव के तीन व्यक्तियों को वन अमले ने अपहरण करके बंधक, अवैध रूप से बंधक बना के रखा रेंज ऑफिस में। वो भी सबके सामने, उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ था, लेकिन वो कोई कार्रवाई अपहरणकर्ताओं पर नहीं हुई है। जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो गांव-गांव में घुस गए लोगों को मार रहे हैं, इसके बावजूद कि ये गैरकानूनी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करदली डैम में निजी भूमि के मालिक है, निजी संपत्ति को डुबाया गया, एक रुपया का मुआवजा नहीं दिया गया है, पुनर्वास का कोई व्यवस्था नहीं है, झूठ मूठ सहमति बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसान सहमत हैं और किसान आंदोलन भी कर रहे हैं और उनको पुलिस से दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान सहमत हैं। नहीं, इसका ये तो अभी तो रैली ही है, लेकिन अगर इस तरह की गतिविधियाँ ये चलती गई तो फिर हम और तीखा आंदोलन हम करेंगे। अभी तो हम तो मुख्य इनको प्रशासन को ही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को, जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी दिया गया इन सब मसलों को लेके।